बोथ गाइस, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है और जैसा आपने बात भी की थी जंगली हर्ज की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं। हाइप्ड अप सिचुएशन है, पम्प्ड अप सिचुएशन है। 18-13 इज द स्कोर राइट नाउ। AKOP सेनी स्पोर्ट्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ AKOP। इनसेन के जैजी नजर आते हुए बट लेफ्ट साइड से हर्ष ने टेक डाउन कर दिया है। 19-13 इज द स्कोर लाइन। रहेगा कि आप अपनी आपको इस पूरे इवेंट यानी वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स डे इवेंट के अंदर अपने लिए बना के रखो, बट एट द वेरी मोमेंट आई एम रियली सीइंग दैट रैंगटन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए जरूर नजर आएंगे। बिकॉज मात्र 50 से 40 सेकंड के इस समय में फ्रैग्स निकाल पा रहा मुश्किल नहीं है, और दे यू गो फ्रैग्स नहीं निकल रहे हैं, कोशिश करी जा रही है, लेकिन डिफरेंस जो है 9 से 10 पॉइंट का, वो विक्ट्री टू द यू नो सीलिंग द डील, रीचिंग दैट 40 स्पॉट, एंड देयर यू गो डेमन सेन ईस्पोर्ट्स हैज डन इट इन द वेरी फर्स्ट मैच। एमवीपी ऑफ द मैच इनसेन जैजी व्हिच एक्चुअली इक्वलाइजेस द स्कोर। हैदराबाद हाइड्रास एंड मार्कस गेमिंग के इस फाइट में एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही टीम, अगर एक टीम एक फ्रैग निकाल रहा है तो दूसरा टीम भी इंस्टेंट रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है इस बार, और शुरुआती दौर में विद इन यू नो 1.5 मिनट अपने लिए 8 पॉइंट्स एकत्रित कर लिए हैं। हैदराबाद हाइड्रास आर हैविंग एक्चुअली अ हार्ड टाइम राइट नाउ, टू वेरी कॉन्फिडेंट दे आर लुकिंग राइट नाउ। हैदराबाद हाइड्रास वापस से फाइट बैक करना चाहते हैं, फॉर श्योर फाइट बैक करेंगे, आखिर तक लड़ेंगे भिड़ेंगे चाहे जीते ना जीते। 19 का ये स्कोर लाइन, आदित्य अकेले इस फ्रंट टाइम को संभालते जा पर ऋषि क्लोजिंग करेंगे जरूर, डबल ई लिया जाएगा, कोशिश करेंगे बाउंड्री रन में उनको भी टेक डाउन किया था, बट इसके साथ साथ आदित्य ऋषि को इंस्टेंट टेक डाउन करेंगे। 24-20 का स्कोर लाइन, रेडन यहाँ पे मौजूद, फ्री फायर देखे आदित्य घुसेंगे, रेडन इस बार उनको पनिश करेंगे, इसके साथ साथ 4 और पॉइंट चाहिए मार्कस गेमिंग को। हम इतनी इजीली आपको 40 का मार्क टच करने नहीं देंगे, वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद द गेम, 2 मिनट का समय है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है हमारा गेम अंत हो जाएगा। एंड देयर यू गो, क्या बात है, गॉड ऑफ थंडर यस टू फाइट बैक, यस टू मेक अ कमबैक। 17 फ्रैग्स इन द पॉकेट, 18 निकाल लिया है, 19 भी निकाल लिया है, पर फ्रैग निकला, स्कोर्स विल बी लेवल्ड। और देखिए सामने से रेडन आए जरूर थे, बट डिस्टेंस से रेडन ने स्प्रे किया, रेडन को तो फ्रैग डाउन कर ही दिया था, लेकिन ऋषि ने पीछे जाके काफी अच्छा कवर फायर दिया, डिफरेंस को कम नहीं होने दिया। नेक टू नेक चलता हुआ यहाँ पे दोनों तरफ वापस से 22 पे आ चुके हैं टीम इनसे नहीं कुछ। रेडन कमिंग इन द सेंटर लेफ्ट साइड पे, हर्ष गॉड को स्पॉट किया जरूर है या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आखिर तक नेक टू नेक का मुकाबला चलेगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलेगा, ये गारंटीड है यहाँ पे। But he will get Harsh got down at that position. While Raiden कोशिश कर रहे फ्री फायर देखिए घुसने की, जाजी की इस पे ऑलरेडी कम है, फ्री फायर के अंदर आएंगे जंगली हर्ष को जल्दी आना पड़ेगा, जाजी को डाउन किया गया, रेडन मौजूद, रेडन को डाउन किया गया हर्ष के द्वारा, एंड इसके साथ साथ ये डिफरेंस बढ़ता हुआ 3 पॉइंट का बफर अभी चलता है जिनसी ईस्पोर्ट्स सिर्फ बात से हुए 4, लेकिन ये 4 का आंकड़ा नहीं होने वाला आज पार। There you go, about time. The finally, the last second has been stuck in the clock. 34 से भी कम, 1 मिनट से भी कम टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है, बट उसी के साथ साथ HH के दोनों खिलाएंगे स्टीव से, might just get taken down, but no, it's not, it's coming off. 23-24, 1 point का difference. आगे ज्यादा रिटालिएट नहीं कर सकते, जैजी को थोड़ा संभालना पड़ेगा ये सिचुएशन, उनके हिद से बाहर जाता हुआ नजर आएगा रेज गॉड इज देयर, दोनों प्लेयर्स का यहाँ पे क्लोज इन, ड्रॉप शॉट लिया जाएगा फ्री फायर के अंदर फंसते हुए, स्ट्रीम सेव इज रेडी, आगे बढ़ेंगे जैजी, ट्राइड फॉर अ ड्रॉप शॉट बट ही विल बी गेटिंग टेकन डाउन। 24-25 का स्कोर लाइन, जंगली हर्ष गॉड इज स्टिल मेंटेनिंग द क्रिटिक्स एज ही गेट अनदर बॉम्बर, इट्स 24-26, 2 पॉइंट का डिफरेंस, द फाइनल मैच is going on a rampage right now as insane they are marching with the 2-point lead, but definitely Hyderabad Hydras are not just being in that particular position ki wo agree karenge ki wo haar gaye, they are denying the fact but they are trying their level best right now. Harsh got taiyar hai, Steve ne unke samne 2 point ka buffer, 10 second ka samay abhi bhi baki hai, 24-26 ka ye score line, Hyderabad Hydras they are falling apart, insane will be crowned as the winners as the time runs out. 28-24, insane esports becomes the champion of Hyderabad. Hydras presents World Esports Day Battle, TDM Battle ka verdict yahan pe hota hua, insane esports wins this event, wins this particular match as well, and usi ke saath saath on a good note.